अमित नाम का एक व्यक्ति था। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख खराब थी। यह सब अमित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अमित के बेटे का एक दोस्त आता है और वह अपनी दादी से कहता है, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। देव ने बड़े बेरुखी से अपनी दादी से कहा। देव की दादी ने कहा, पर बेटा मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ। देव ने कहा, नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। देव ने जोर से डांटते हुए अपनी दादी को कहा। देव की माँ मालती ने किचन से ही आवाज लगाई और कहा, क्या हुआ देव, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। मालती तुरंत बोल पड़ी, माँ जी आप ऊपर चली जाओ ना, क्यों हम लोगों को परेशान कर रही हो? बेचारी सरला जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन पूरी ताकत लगाकर वह ऊपर चली गई और अकेले कमरे में जाकर बैठ गई। अमित बगल के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते थे। इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। अमित बहुत परेशान था, वो इस स्थिति से कैसे निपटे। रात को अमित की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज करवाने आई है। अमित को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह दुखी रहने लगा। अपने बेटे को इस तरह परेशान देखकर सरला जी को अच्छा नहीं लग रहा था, और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई तो सरला जी ने एक दिन अपने बेटे से कहा, अमित बेटा बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। माँ की यह बात सुनकर अमित ने कहा, माँ वहाँ तो कोई नहीं है तुम्हारी देखभाल करने के लिए, कौन करेगा? सरला जी ने कहा, अरे सब गांव वाले तो हैं और तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं। यह बात सुनकर मालती को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। मालती ने कहा, हाँ माँ जी ठीक कह रही हैं। हाँ बेटा बहू सही कह रही है, सरला जी ने बोला लंबी सांस लेते हुए। अमित जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर भी गुस्सा आ रहा था, किंतु परिवार पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया था। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो विदेश में रहते थे आने वाले थे। जब अमित बहुत छोटा था उसके पिताजी जीवित थे तब वो आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से अमित के चाचा आ रहे थे। दिनेश जी ने जैसे ही घर में कदम रखा सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अमित भाभी नहीं दिख रही हैं? दिनेश जी ने पूछा। अमित ने कहा, हाँ वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, मालती ने तुरंत उत्तर दिया। दिनेश जी ने अमित की ओर देखा तो अमित ने अपनी आंखें झुका ली। दिनेश जी सब समझ गए, बोले कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे, देखा कि सरला जी को बहुत तेज बुखार था और वो पलंग पर असहाय पड़े थे। दिनेश जी दौड़कर सरला जी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरला जी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अमित, तूने तो नाम उजागर कर दिया, अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, दिनेश जी ने अमित को डांटते हुए कहा।
नहीं देवर जी, अमित का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरला जी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है, दिनेश जी ने मालती को डांटते हुए कहा। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो उन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अमित, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 2 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। मालती बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यादशा कर दी है। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। और दिनेश जी रोने लगे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगे या इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगे? यह सुनकर अमित को तो काटो तो खून नहीं था। उसके बाद तो अमित को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ कर गया और अपनी माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे। मालती को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरला जी से आंख मिला पाए। सरला जी ने मालती की मन की स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अमित को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। मालती और बच्चों ने सरला जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया।